हमारे पिताजी की श्रद्धांजलि समारोह में काव्यांजलि संस्था मथुरा से पधारे हुए आदरणीय कृष्ण डॉक्टर कृष्णावतार उमराव विवेक निधि जी, जो विभिन्न सामाजिक संगठनों से, विभिन्न शिक्षण संस्थाओं से, विभिन्न साहित्यिक संस्थाओं से सम्मानित किए गए हैं, उनका कल भी एक हिंदी भवन भोपाल में, मानस भवन में एक बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा गया था बाल साहित्य शोध संस्थान के द्वारा। वहाँ पर उन्हें उनकी बाल साहित्य के लिए पुरस्कृत किया गया है 2022 के लिए, और वो संयोग से आज भोपाल में थे, तो आज उनकी इच्छा थी कि हम आपके घर चलें और पिताजी को एक श्रद्धांजलि अर्पित करें, तो इस उद्देश्य से वो आज हमारे घर में पधारे। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि इस वेला पर उनका आगमन हमारे घर में हुआ है, गंगा नर्मदा भवन में। तो मैं चाहूँगा कि आज इसमें अपने श्रद्धा सुमन मैं अपने अर्पित करता हूँ पूज्य पिताजी को, और उनकी रचनाओं को भी मैं अर्पित करता हूँ। इसी भांति सभी बोलूं थोड़ा? हाँ हाँ, आप अर्पित कर दीजिए। परम पूज्य भैया को, आदरणीय श्री फूल सिंह जी पे श्रद्धा सुमन के दो पंक्तियाँ मैं पूछना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। चार दिन में सबको, परिवार को दीवाना बनाकर चल दिए, सारे परिवार को यहीं सजा कर चल दिए, अब कोई बाहर आए ना आए, हम तो घर को छोड़ के चल दिए, सारे वतन को चल दिए। बहुत बढ़िया, उन्हें मैं श्रद्धांजलि प्रकट रहा हूँ भैया के चरणों में जो है। डालते तो थोड़ा फोटो आ जाएगा। जय हो।